पहले मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन देन मैंने बोला नहीं यार, बंदा डिजर्व करता है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। यू गाइस वाचिंग राय मली फिल्म पेज और यूट्यूब चैनल टुडे, एंड दिस इज द न्यू सीरीज ऑफ आर चैनल। और हम इस सीरीज को कहेंगे कि थैंक यू लेजेंड। और इस थैंक यू लेजेंड के अंदर हम उन सारे प्लेयर्स के लिए स्पेसिफिकली वीडियो बनाएंगे जो क्रिकेट की तारीख में एक बहुत बड़ा नाम रकम कर चुके हैं, जो डिजर्व करते हैं कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट पूरी वीडियो में उनके बारे में ही बात करें। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच जेमी एंडरसन फॉर गिविंग एन इनक्रेडिबल करियर, फॉर एंटरटेनिंग अस द क्रिकेट फैंस, आउटस्टैंडिंग करियर। जेमी एंडरसन एक कमाल ह्यूमन बींग के साथ साथ एक कमाल क्रिकेटर भी है। और मुझे अभी भी याद है जब मैंने शुरू शुरू के यंग जेमी एंडरसन को देखा था, उस वक्त मैं स्कूल में ही था। आई थिंक 20 या 21 साल की उम्र में जेमी एंडरसन ने जो है क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, आई एम रॉन्ग लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। उसमें जेमी एंडरसन कमाल, वही कुछ ना कुछ था उसके अंदर, उसको वो वाइब थी। और एशियज के अंदर कमाल परफॉर्मेंस इस बंदे की, उसके बाद मुझे लगा था एक स्पार्क था कि यार इस बंदे के अंदर ना कोई स्पार्क है और ये लेजेंड बन सकता है। और आज देखिए, आज वो कमाल तरीन प्लेयर और एक सुपर सुपर लेजेंड बन चुका है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन इफ यू आस्क मी, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट इज अ रेयर क्रिकेट। एंड अगर टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड में हो, लॉर्ड्स में हो, तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है। और इंग्लैंड के मैं कॉन्टेंट क्रिएटर्स डिपार्टमेंट को और जो भी इनका सोशल मीडिया हैंडल करते हैं उनको मैं कूडोज टू दैम, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ग्रेट कॉन्टेंट दे आर प्रोड्यूसिंग इज अनबिलीवेबली अमेजिंग। और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वेस्ट इंडीज की क्या टेस्ट सीरीज चल रही है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि श्रीलंका क्या खेल रही है, ऑल दीज राइट नाउ द बी कैटेगरी टीम्स, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि दूसरी टीमें जो है टेस्ट सीरीज क्या चल रही है। लेकिन व्हेन दे आर प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, स्पेशली लॉर्ड्स काइंड ऑफ अ ग्राउंड, देन फिर मैं फिर वो हाईलाइट्स देखता हूँ। और बैक टू बैक मैंने इस गेम की हाईलाइट देखी, विच इज द लास्ट गेम ऑफ द लेजेंड जेमी एंडरसन, वन बाय 114 रन्स, 121, 136 वेस्ट इंडीज एंड 371 इंग्लैंड। और इनिंग्स से उन्होंने वेस्ट इंडीज को ये बहुत बड़ा वन साइड गेम हराया बैंक स्टॉक्स की मास्टर क्लास कैप्टनसी के साथ। प्लेयर ऑफ द मैच इज एक्टिंगसन। और कहते हैं कि जहां एक लेजेंड जा रहा होता है वहां एक यंग एंड अपकमिंग लेजेंड जो है प्रोड्यूस होने वाला होता है। एंड आई थिंक गुस एक्टिंगसन, बड़ा मुश्किल नाम है, मेरा फंबल भी आता है मुझे, वो एक बहुत बड़े लेजेंड बन सकते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही रही। 7 विकेटें, 45 इन द फर्स्ट इनिंग, 5 विकेटें, 61 इन द सेकंड इनिंग। एंड आई थिंक जब भी जेमी एंडरसन ने अपने स्काई स्पोर्ट्स वाले इंटरव्यू में भी बोला, वो भी मैंने अभी अभी देखा, कि वो कह रहे थे कि भैया ये बंदा जो है वो लेजेंड बन सकता है। एंड गेस व्हाट, उनसे पूछा गया कि भाई आपके नज़र में द मोस्ट डिफिकल्ट बैट्समैन यू फेस, उन्होंने नाम लिया है सचिन तेंदुलकर का। एंड वेल वेरी डिजर्व, बिकॉज सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब हिस्टोरिकल बैट्समैन, जो हर बॉलर बोलता है कि भैया ये बहुत ही मुश्किल बैट्समैन है, कोई सरप्राइज नहीं हुआ मैं, आई थिंक वो डिजर्व भी करता है। जेमी एंडरसन की तरफ वापस आ जाते हैं, बेहतरीन करियर उनका इंग्लैंड के साथ उनका गया, उनकी पूरी फैमिली टेस्ट मैच देखने आई हुई थी। और एक जबरदस्त वे, एक बहुत ही जबरदस्त क्लासिकल वे के अंदर जो है उन्होंने अपना करियर एंड किया। और मुझे लगा था कि स्टुअर्ट ब्रॉड जो है बाद में रिटायरमेंट होगी, लेकिन लकीली स्टुअर्ट ब्रॉड की पहले रिटायरमेंट हुई, देन जेमी एंडरसन की हुई। एंड आई थिंक जेमी एंडरसन, कुछ प्लेयर्स होते हैं दोस्तों कि आप यू कांट हेट देम, यू कांट हेट देम। और आई थिंक जेमी एंडरसन 90% पीपल, जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, अगर 90% अगर हम बोले तो वो गलत नहीं होगा कि वो जेमी एंडरसन को पसंद करते ही करते होंगे। उनके एक्शन, बॉलिंग एक्शन से लेकर उनका द वे ही प्ले दिस गेम, द वे ही पोर्ट्रे हिमसेल्फ, उनका सो कॉल्ड बैलेंस अग्रेशन कमाल है इस गेम के लिए। इस गेम को 4 चांद लगाए, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट को 4 चांद लगाया है। द फर्स्ट नया बॉल का ओवर, आउट स्विंग डिलीवरी, जबरदस्त एजेस निकलते हैं और मजा आता है। मुझे तो नहीं पता आप लोगों को क्या, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको समझाने के लिए, लेकिन इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस इज जो मेश्योर, आई थिंक पूरी दुनिया एक्साइटेड है, लेकिन जो इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस होते हैं, और सेकंड पर अगर आप मुझसे पूछे तो साउथ अफ्रीका के जो टेस्ट मैच होते हैं वो भाई जो मेश्योर, क्योंकि जब स्लिप्स पे कैच निकलते हैं, ओ हो, बेस्ट बेस्ट चीज है क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट की, जब फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर एजेस निकलते हैं और स्लिप्स पे जब डाइव मार के कैचेस होते हैं ना, सुपर ओवर। हैरी ब्रुक ने कमाल कैच पकड़ा इस टेस्ट मैच के अंदर भी, एंड मजा आया। अब अगर आपने सीरीज की हाईलाइट नहीं देखी है, इस टेस्ट मैच की हाईलाइट नहीं देखी, तो यू हैव टू वॉच इट, बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज अमेजिंग, मौसम इज अमेजिंग, द पिच इज आउट क्लास,
जिमी एंडरसन का लेजेंडरी हिस्टोरिकल लास्ट टेस्ट मैच है, तो यू हैव टू वॉच टेस्ट मैच। सो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि भाई जिमी एंडरसन सो फार इस करियर के अंदर उनके बहुत की मोमेंट क्या क्या रहे। उन्होंने एशियज भी इंग्लैंड को जिताया, उन्होंने जबरदस्त करियर के साथ जो है ये गेम खेला है। अगर हम देखें तो मैचेस 188 टेस्ट मैचेस जिमी एंडरसन ने खेले हैं, जिसके अंदर से 704 विकेटें वो ले चुके हैं, एवरेज ऑफ 26.43, 5 विकेट हॉल जो है 32 दफा वो ले चुके हैं, 10 विकेट जो है इन मैचेस 3 दफा हो चुका है, और बेस्ट है उनका 7 विकेट्स विद 42 रन, स्ट्राइक रेट 56.8। और ऐसे लेजेंडरी जो बॉलर्स होते हैं ना, आई थिंक अगर किसी भी टीम में आ जाए, मुझे अगर आप मुझसे अभी पूछें कि अभी इस वक्त कोई लेजेंडरी बॉलर जो है ना वो इंडिया के वास्ते जसप्रीत बुमराह, आई थिंक जिमी एंडरसन, टेल स्टेन, ग्लेन मैग्रा, शेन वॉन, पाकिस्तान में अगर देख लें तो वसीम अकरम, इंडिया में अभी करंट में देख लें तो जसप्रीत बुमराह, ये वो बॉलर्स हैं आउटस्टैंड। ये आपकी टीम हो ना, अगर आपकी टीम बैलेंस है ना, ये आपको चार चांद लेके चले जाएंगे, ये आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जिता सकते हैं, ये आपको अपनी पूरी एबिलिटी से वर्ल्ड कप के विनर से बना सकते हैं। दैट्स व्हाई इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता, क्योंकि जसप्रीत बुमराह वो बॉलर है जो आप ऑलमोस्ट अनप्लेएबल है, क्योंकि अभी इस वक्त उससे ऊपर कोई नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वो भी एक जमाना था जिमी एंडरसन का, कि जिमी एंडरसन से ऊपर टेस्ट के अंदर कोई नहीं था, वो जबरदस्त जबरदस्त बॉलिंग। आई थिंक मेरे पास और कुछ अल्फाज है नहीं टू डिस्क्राइब दिस मास्टर क्लास ऑफ हिमसेल्फ एज अ क्रिकेट फैन। बहुत सारी अमेजिंग मेमोरीज है। आई डोंट नो मेरा इंटरनेट क्यों चले गया अभी, लेकिन वो मुझे पोस्ट आप लोगों को दिखाना था, लेकिन वो बहुत अमेजिंग अमेजिंग मेमोरीज है। लेट मी ओपन इट ऑन माय फोन ताकि मैं आप लोगों को उसमें भी वो मेमोरीज अब रिकॉल कर सके। ओके जी, सो मेमोरीज हमने फोन में खोल ली है। द फर्स्ट वन इज विद विराट कोहली, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये मैच था, और जबरदस्त जो है लाफिंग एलिमेंट विद द किंग कोहली। एंड द सेकंड वन इज द यंग जिमी एंडरसन विद इंग्लैंड ब्लू जर्सी, ओल्ड स्कूल रेटलो विद अ वोडाफोन स्पॉन्सर। मेमोरीज हैं बचपन की, एकदम नॉस्टैल्जिया हो जाता है और स्कूल लाइफ में चले जाता हूँ मैं, क्या जमाना था वो भी भाई। एंड देन वी हैव विद द फॉर्मूला वन रेसर, एंड देन वी हैव द फर्स्ट टाइम जिमी एंडरसन प्ले अ सीरीज इन इंडिया, once again loose kit with a Vodafone sponsor, zabardast atmosphere, and then a current with a middle stump down of a West Indies batsman. Ab mujhe kaun ye mujhe pata nahi chal raha kaun hai, Greenicles ke unhone kit pehni hai. Fair. The next one is I think the Ashes one, yep, with the Stuart Broad, jisme Jimmy Anderson ne 5 wicket haul liya tha, and then with Steve Smith, another Ashes game, aur ye I think bahut achhi unhone ek night watchman ki inning kheli thi. The next one is with Stuart Broad and all the, because ये आखिरी एशेज था सो कॉल्ड स्टूअर्ट बोर्ड और जिमी एंडरसन का, सो बिकॉज इसके बाद जो एशेज होगा उसमें जिमी एंडरसन नहीं खेलेंगे। सो जबरदस्त मेमोरीज, एंड देन फिर धर्मशाला के अंदर उन्होंने टेस्ट मैच खेला था, उसकी एक तस्वीर है, एंड लुक द क्राउड, लुक द प्लेयर्स, मतलब ये इज्जत मिलती है आपको जब आप इस गेम को सीरियसली खेलते हैं, जब आप इस गेम को सीरियसली लेते हैं और अपना पूरा बेस्ट देते हैं, और एज अ बॉलर एज अ बैट्समैन डजंट मैटर आप कौन सी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन अगर आप दिल से अच्छे वे में और पूरी जान के साथ और सीरियसली इस गेम को खेलते हो, तो ये इज्जत मिलती है कि एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर अपना वक्त निकालता है एक वीडियो बनाने के लिए सिर्फ आपके ऊपर। बिकॉज हम पाकिस्तानी मतलब कहते हैं कि अगर दूसरी कंट्री से हो तो वी डोंट केयर, अगर हम बनाएं तो भाई किसी पाकिस्तान लेजेंड के ऊपर बनाएं वीडियो। आई थिंक जिमी एंडरसन डिजर्व करते हैं, और 9.5 मिनट्स हो गए, सिर्फ आधा घंटा बोल रहा हूँ, 30 सेकंड्स और हैं, तो 30 सेकंड्स के अंदर बस ये बोलूंगा मैं दोस्तों कि जहां पे आपका बोर्ड, जहां पे आपके प्लेयर्स सिंसेयर हो, सीरियस हो, और मैं ये किसको बोल रहा हूँ, ये इस बात से क्या पॉइंट निकल रहा है, आप लोग समझदार हैं, जहां आपका बोर्ड सीरियस हो, जहां आपके प्लेयर्स सिंसेयर हो गेम को लेकर, तहां वहीं पर ही जो है ना जिमी एंडरसन जैसे लेजेंडरी बॉलर्स, जिमी एंडरसन जैसे लेजेंडरी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स निकलते हैं। आई थिंक दिस इज मी रायन मली रिव्यूइंग द लास्ट गेम ऑफ जिमी एंडरसन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी, चलो वो नेक्स्ट में देखेंगे, थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन।